रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों के साथ साथ अपने दुश्मनों का भी पता होना चाहिए। आप सोचेंगे हम तो छोटे से, हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप अपने दुश्मन खुद ही हैं। वो कैसे? इसलिए कि वक्त जो है वो सबके पास एक ही जैसा है। लोग कहते हैं वक्त दौलत है, वक्त तो ज़िंदगी है, इसको अक्लमंदी से खर्च करो। अगर आपके पास एक ही बोतल हो पानी पीने के लिए और लंबा सहरा हो तो आप उसे पौं धोने के लिए तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो असल में बहुत सारी चीज़ें सबके पास बराबर नहीं है, लेकिन हर रोज़ 24 घंटे का दिन सबको मिलता है। हम उसको कैसे खर्च करते हैं, वही बंदा कामयाब है जो इसको अक्लमंदी से खर्च करता है, इसको ज़ाया नहीं करता। तो क्या अभी तक आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने खुद अपनी ज़िंदगी बदलनी है, आपने कामयाबी हासिल करनी है और इस दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब इंसान बनना है? अगर नहीं फैसला किया तो कर लें, उसके बाद अपनी तरजीहात तय करें। ऐसा तो नहीं है कि आप निशाने पे, आपका कोई भी हदफ पे निशाना नहीं लग रहा, सारे आपके हदफ से बाहर गिर रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी में तय करें कि सबसे अहम काम कौन से हैं जो आपने करने हैं। फिर ये तो नहीं है कि प्रोक्रेस्टिनेशन या सुस्ती आपके आड़े आ रही है। आप फैसला तो कर लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, आज करता हूँ कल करता हूँ, इसी तरह वक्त ज़ाया होता है। तो प्यारे बच्चों, अपने ज़िंदगी की रूटीन को नमाज के साथ जोड़ो। सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो जाओ। आपको पता है कि फजर के वक्त अल्लाह ताला रिज़्क बांटता है, और रिज़्क जो है वो सिर्फ खाने पीने या पैसे का नाम नहीं बल्कि सलाहियतें, हर चीज़ का रिज़्क होता है। तो अल्लाह को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए अल्लाह की किताब को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करें, सुन्नतों पर अमल करें। छोटे छोटे खाना कैसे, पीना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, छोटी छोटी बातों का अच्छा इंतखाब हर रोज़ करना, इस पर कारबंद रहने से आपकी आदत अच्छी बन जाती हैं जो आपको ज़िंदगी की शाहराह पे कामयाब बना देती हैं। आप बड़े होते तो आपकी आदत भी पक्की होती जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम वावल्स करेंगे और वावल्स में आज हम लॉन्ग वावल्स करेंगे। दो वावल्स मिलके लॉन्ग वावल्स बनाते हैं। आज हम ए आई आ ई मिलके लॉन्ग वावल्स हैं। तो लुक देखो, से कहो एंड राइट, साथ साथ कॉपी पेंसिल पकड़े हैं, इसको लिखते भी जाएं, बोलते भी जाएं। दिस इज रेन, र अ न, रेन। रेन कहते हैं बारिश को। ये क्या है? नेल, नेल। नेल कहते हैं कील को। और ये भी है नेल, नाखून को भी नेल कहते हैं, और हर सातवें दिन जुमे को जुमे नाखून काटना सुन्नत है। पेल, पेल बाल्टी को कहते हैं, पेल। और ये क्या है? टेल, टेल बिल्ली की दुम, टेल। और ये क्या है? कोयल, ये एक दरमियाने साइज का परिंदा होता है, इसको कुछ लोग कोयल कहते हैं, कभी बटेर भी कहते हैं। ये है ट्रेन, ट्रेन पटरी पे चलती है, ट्रेन। और ये है ड्रेन, पानी जो है वो नाली के जरिए जाता है और जब नाली बंद हो जाए तो पानी बाहर निकलता है, ड्रेन। और ये है मेल, जी मेल बरकी ईमेल पोस्ट खत मिलता है आपको। स्नेल, ये स्नेल जो है छोटे छोटे जानवर होते हैं जो लॉन में आप अक्सर देख सकते हैं, पत्तों को खाते हैं। अब है सर्कल द ए आई वर्ड्स, आपके सामने एक स्लाइड है, इसमें से कॉपी पेंसिल लें, इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और वो वर्ड्स एनसर्कल करें जिनके जो जिनमें ए आई है। अब यहाँ पे आप अपना काम करके फिर इसका जवाब चेक करते हैं। तो रेन है, नेल है, कोयल, पेल, मेल, टेल और स्नेल। अब हम रीऑर्डर द लेटर्स करेंगे, रीऑर्डर द लेटर्स एंड राइट द वर्ड्स, करेक्ट वर्ड्स। तो ये है टेल, तो अब इनको आपने रीऑर्डर करना है, टेल। वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें, साउंड्स के साथ फोनिक्स के साथ मिला के स्पेलिंग लिखें, टेल। और शाबाश, ये है टेल, टेल बिल्ली की टेल। अब ये एक और है नेल, इसके भी स्पेलिंग्स को वर्ड रीऑर्डर करें, लेटर्स को। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, खुद से अपना अपनी कॉपी पे रीऑर्डर करके लेटर लिखें, फिर अपना जवाब चेक करें। ये है, फिर है नेल। तो नेल जो है
उसको भी आपने इसी तरह करना है। और ये है रेन, रेन। वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और उसके बाद इसको चेक करें। शाबाश, ये है रेन, रेन। तो उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। तो प्यारे बच्चों, कामयाब इंसान, अच्छा इंसान, अच्छा पाकिस्तानी शहरी, अच्छा मुसलमान बने।